नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कुंडली में ना व्यक्ति के शुभ, अशुभ और सम तीन तरह के ग्रह होते हैं। क्या शुभ, क्या शुभ और क्या सम में, सब बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा, कि आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, शुभ अशुभ सब हम बनाते हैं। मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिसके बारे में मैं एक्चुअली उनसे सिर्फ, वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे टैरो कराया, लेकिन उन्होंने जो बात मुझे बोली उसे सुनकर मैं भी बहुत मजबूर हो गई। उनका डबल मार्केश चल रहा था, वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने उनसे कहा कि आप महामृत्युंजय की पूजा करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना काल में महामृत्युंजय की पूजा कराई, उसका फ़ायदा उठाया, अपने घरों में भी की और सुना भी, महामृत्युंजय का मंत्र खुद से पढ़ा भी, जो एक्चुअली देश और दुनिया के लिए भी अच्छा है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आप कोई पूजा पाठ दान सब कुछ करने से पहले ना लगातार वो वाइब्रेशंस अपने घर में दें। अगर आप वो पूजा पाठ करते रहेंगे, आप वो चीज़ें करेंगे, तो आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलेगी ही नहीं। गॉट माई पॉइंट, आप समझे मेरी बात। तो आपके लिए पॉजिटिविटी होने लगेगी, सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। क्या कहते हैं आप? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज़ सुनिएगा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस एक रात मैं सोई नहीं। मैंने अगले दिन सुबह 6:30 बजे उन्हें कॉल कर दिया। मैंने कहा, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। बोली, नहीं मैम, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, 4 बजे उठते हैं। वो मेरे पास आई, उन्होंने, मैंने उन्हें बोला महामृत्युंजय की पूजा करा लो, उन्होंने कराई। लेकिन उनका डबल मार्केज चल रहा था। कैसी सिचुएशन में होते हैं हम लोग, हमें पता होता है कि इस इंसान की मृत्यु होने वाली है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाला है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि उसको सच बताएं ना बताएं। और सामने वाला इंसान बोलता है, मैम आप प्लीज़ डरिए मत। वो एक्चुअली डाइवोर्स ही थी महिला, उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने बोला, देखिए मैम, मेरे ऊपर ना सारी जिम्मेदारी है, मेरे मायके की भी और मेरे घर की भी, मुझे ना प्लीज़ झूठ मत बोलना। क्या करें आप, मतलब मरने वाले व्यक्ति को पहले ही बता दें, वो मरने वाला है तो वो तो पहले ही मर जाएगा। मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मुझे सब सच बताना। मैंने कहा, देखिए मृत्यु तुल्य कष्ट तो आपको चल रहा है, लेकिन मौत की कोई ऐसी बात नहीं है, डरिएगा मत आप, ठीक है, घबराइए मत। क्योंकि जब हमें ज्योतिष पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो सबसे पहले ये बात बोली जाती है, हम कभी किसी को किसी की मृत्यु नहीं बता सकते, ठीक है। तो वैसे भी ना लोगों ने बड़ा YouTube पर मैंने देखा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे ये बताना ज़रूरी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसका हल भी तो बताओ। डरा कर तो मत छोड़ दो ना सामने वाले को, एक उम्मीद का रोशनी और चिराग तो जला के रखो ना हमेशा। तो वो चली गई मुझसे। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये मुझे ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बेटियां हैं और उसकी माँ की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी जान को खतरा है। वो कह रहे, उन्होंने महामृत्युंजय पूजा कराई, कह रहे हाँ वो। मैंने कहा, वो कह रही है कि उसके कुछ जानने वाले पंडित हैं उसके घर के पास हैं, वो कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन कोरोना काल में उनका व्हाट्सअप आया, पूजा ने मुझे बताया कि शी इज़ इन अर्जेंट एंड शी वॉन्ट टू टॉक टू यू, शी इज़ इन एमरजेंसी। मैंने कहा हाँ कराओ। तो मैंने फ़ोटो देखी उनकी, तो मैं पहचान, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कराओ। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे कोरोना हो गया है, मेरी ऑक्सीजन 84 पहुँच गई है। मैंने कहा ओहो, और मैम मुझे कहीं सिलेंडर नहीं मिल सकता, मिल रहा क्या, आप मुझे सिलेंडर दिलवा सकती हैं? मैंने बोला मैं काम कर सकती हूँ, मैं लाइव चली जाती हूँ यूट्यूब पर, आपका नाम बोल देती हूँ, आपका फ़ोन नंबर बोल देती हूँ, और मैं यही कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली सिलेंडर मेरे पास भी नहीं है, जो सच है वो सच है, मैं नहीं दिला पाऊँगी। तो उन्होंने बोला, नहीं मैम मेरा नाम मत लेना बिल्कुल भी, मेरे बच्चे पैनिक में आ जाएंगे, और मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मेरे लिए, मेरी बेटियाँ अलग कमरे में हैं और फ़ोन मैं उठा नहीं सकती, अगर आप एक बार बोल देंगे तो बड़े सारे लोगों का कॉल आ जाएगा, तो आप वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं आपके लिए काम और कर सकती हूँ, प्रेयर फॉर यू, मैं कल सुबह जब 4 बजे उठूंगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आपका नाम मेरे पास है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप ठीक हो जाए, लेकिन आप उल्टा लेटिए, आप पॉजिटिव सोचिए। जो मैं पॉजिटिव बातें उनके साथ कर सकती थी मैंने की। मैंने उन्हें कहानी सुनाई कि एक बार एक व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उस कहानी से वो रोने लग गई, उन्हें बड़ा हिम्मत मिली, क्योंकि हम कहानियाँ ही सुना सकते हैं। और उन्होंने बोला, थैंक यू सो मच मैम, अब आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ। और मुझे उनका कोई फ़ोन नहीं आया। करीबन 15 दिन बीत गए, मैं 15 दिन तक उस लेडी के लिए पूजा करती रही, अपने मन में बोलती रही, भगवान को बोलती रही कि भगवान 2 बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों का क्या होगा, रक्षा करना। सडन 15 दिन बाद लॉकडाउन में मेरे घर की घंटी बजी एंड आई गॉट 1 फ्लावर और उसके साथ एक बीका जी का कोई पतीसे का डब्बा था, ठीक है, और
उसकी फ़ोटो और व्हाट्सअप पर वो डब्बे का फ़ोटो भी आ गई, तो उस लेडी ने ही भेजा था। तो उसने पूछा, मैंने बोला किसने भेजा है, बताया नहीं बताया। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा आप कैसे हैं, कह रही राखी जी मेरी ज़िंदगी में जो चमत्कार हुआ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं शेयर करती हूँ, आप यूट्यूब पर ज़रूर बताना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट मेरी 62 ऑक्सीजन चली गई और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेरे घर वालों ने, मैंने खुद उम्मीद का दामन छोड़ दिया और मैं अपने आप को मोटिवेट करती रही, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, मैं उल्टा लेटी, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली और मैं प्राणायाम करती रही, मैंने बाबा रामदेव को भी देखा और उस योग को भी करने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया, मैंने स्टीम ली और मेरे को वो कहानी आपकी बार बार याद आती रही। मोरल ऑफ द स्टोरी सब कुछ वैसा ही रहा। अचानक से मुझे पता चला कि मेरी मम्मी के पड़ोस में मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड रहती है और उनकी डेथ हो गई है और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी माँ भी विडो थी, वो भी विडो थी, उनके बच्चे उन्हें छोड़ रखा है। तो मुझे ये बात पता चली, मेरा कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, मैंने करीबन 25,000 रुपये इकट्ठे करे अपने घर से और मैंने उनके अंतिम संस्कार के लिए जाकर अड़ोसी पड़ोसी लोगों को दिए। आंटी को कोई कोरोना नहीं था, आंटी हार्ट अटैक से मर गई थी। और जब मैं शमशान घाट में उनके कज़न को, मतलब जो भी होगा रिलेटिव, उसको पैसे दे रही थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगी राखी जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर मुझे होना था, शमशान घाट मुझे आना था, मेरी मौत थी और ये जो 25,000 रुपये मैं इस औरत को इसकी मौत के लिए दे रही हूँ, वो मैं शायद अपना उतारा इसको दे रही हूँ, जैसे ये आंटी मेरी मौत लेकर चली गई। हालांकि ये उनके मन का वहम भी हो सकता है, हालांकि ये सही भी हो सकता है, बट शी शेयर दैट कि कर्म, महामृत्युंजय पूजा और आपकी सोच इतनी बड़ी चीज़ है कि आपके कर्म बदल देती है। मैं आपसे इतनी सारी बात क्यों कह रही हूँ कि आपके शुभ ग्रह को भी आप अपने कर्मों से अशुभ कर लेते हैं और अशुभ ग्रह को भी अपने कर्मों से शुभ कर लेते हैं। तो आप अगर नेगेटिव हैं तो इस कहानी से समझिए वो औरत अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता और मिठाई मुझे भेजी थी, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। कई बार आपकी मुसीबतें कोई और लेकर चला जाता है। आंटी बुज़ुर्ग भी थी, जो गई हैं 82 ईयर्स की थी, हार्ट अटैक से गई हैं, अकेली भी थी, लेकिन इसके पैसे उस शमशान घाट में पहुँचने ही थे। इसका कर्म था कि इसका अंतिम संस्कार होना था और देखो कोई और उसकी मौत लेके चला गया। तो कैसे अपने अशुभ ग्रहों को भी आप शुभ कर लेते हैं सोच को पॉजिटिव रखकर, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रही हूँ, शुभ ग्रह जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और एक जो हमारे लिए मारक होते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं, राखी जी चलती हुई दुकान बंद हो गई, राखी जी अभी तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी फिर एक्सीडेंट हो गई, राखी जी मेरा बेटा ही घर से भाग गया, आप क्या बात करोगे जी, बच्चा ही मेरा चोरी करके ले गया। तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ग्रह मारक होते हैं जो आपको मार देते हैं। मारक ग्रह, मारक ग्रह कुंडली के अंदर संघर्ष का कारण पैदा करते हैं। इनकी दशाओं में व्यक्ति को या तो उसकी मौत हो जाती है या उसको मौत के बराबर संघर्ष करना पड़ता है और ये ग्रह अलग अलग होते हैं। कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन सी दिशाओं में हमें इन पर सावधानी रखनी चाहिए, आज आपको इस प्रोग्राम के अंदर मैं यही बताने चाह रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मेष लगन के अंदर शुक्र ग्रह और बुध ग्रह मारक होता है, वृषभ लगन के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा मारक होता है, मिथुन ग्रह के अंदर मंगल और चंद्रमा ग्रह मारक होता है। मैं यहाँ लगन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। कर्क लगन में शुक्र और शनि ग्रह मारक होता है, सिंह लगन में शनि और बुध ग्रह मारक होता है, कन्या लगन में मंगल और चंद्रमा जो है वो मारक होता है, तुला लगन में बृहस्पति और मंगल मारक होता है, वृश्चिक में बुध और शुक्र मारक होता है, धनु लगन में शुक्र और शनि मारक होता है, मकर लगन में चंद्रमा और सूर्य की वजह से इंसान की मृत्यु हो सकती है, ये मारक होता है, कुंभ लगन के अंदर सूर्य और बृहस्पति ग्रह की वजह से मारक माना जाता है, मीन लगन में शुक्र और शनि मारक होता है। सूर्य अगर मारक हो तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको अलग अलग ग्रहों के बताऊंगी। सूर्य अगर मारक हो तो रोज हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, पिता के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए, पिता के पैर छूने चाहिए, बेटी हो तो पिता का झूठा खाना चाहिए, संडे वाले दिन गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, संडे को नमक खाना छोड़ देना चाहिए और महामृत्युंजय का जाप 10 बार दिन में जरूर करना चाहिए। अगर चंद्रमा मारक हो तो सोमवार के व्रत रखने चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर काले तिल पानी और दूध अर्पण करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपका मारक है और चंद्रमा की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, शिवलिंग पर चावल अर्पण करने चाहिए और आपको महामृत्युंजय का मंत्र 10 बार दिन में ज़रूर पढ़ना चाहिए और इन सबसे ऊपर जो उस औरत ने किया अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा ज़रूर करानी चाहिए। मंगल अगर मारक हो तो मंगलवार के व्रत रखने चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, राम रक्षा स्रोत्र का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र 10 बार जाप जरूर करना चाहिए।
बुध ग्रह अगर मारक हो तो आपको गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को हरी हरी घास अर्पण करनी चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए और आपको गणेश जी को इलायची खिलानी चाहिए, खुद भी इलायची खानी चाहिए। दिन में 10 बार महामृत्युंजय की पूजा या मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। बृहस्पति अगर मारक हो तो आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, आपको गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, आपको विष्णु चालीसा पढ़नी चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए और सोना पहनने से बचना चाहिए। दिन में 10 बार महामृत्युंजय का जाप शुरू करना चाहिए। शुक्र अगर आपका मारक है तो शिवलिंग पर इत्र अर्पण करें, पानी में दूध डालकर नहाएं, दूध का दान करें, हीरा गलती से भी ना पहने, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें और कौओं को मीठा खिलाएं। इसके सिवा आपको महामृत्युंजय का जाप दिन में 10 बार करना चाहिए। शनि अगर मारक है तो सूरज को जल नहीं देना चाहिए, सूरज के दर्शन करने चाहिए। सूरज मतलब अभी कभी आपका मारक लगा, कोई आपको कहे ये मारक आपका लगा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शनि चालीसा पढ़नी चाहिए, आपको शनि के काले तिल वगैरह का दान करना चाहिए। आपको इन चीज़ों का दान करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त बदलाव महसूस होगा और आप इस मारक टाइम से बचेंगे। जब इस महिला ने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे उसका डबल मारक चल रहा था, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का होना, तो मैंने उनको बोला महामृत्युंजय की पूजा कराओ। अगर आपको कोई ज्योतिष कुंडली देखता है और वो बोलता है भाई मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है या मारक चल रहा है, तो उनसे पूछो किस ग्रह से मेरा मारक चल रहा है और मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। और नॉर्मली हमारा मारक नहीं भी चल रहा हो ना, जितनी रेमेडी मैंने बताई है उसमें से हर दिन की एक रेमेडी इंसानियत होने के नाते हमें करनी चाहिए। मारक आज नहीं चल रहा तो कल चलेगा, कल नहीं चल रहा तो परसों चलेगा। जब वो मारक चलेगा और उसका उपाय पिछले 6 महीने से कर रहे होगे तो मारक आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और ज़िंदगी में एक बार अपने लिए अच्छा पैसा हो तो महामृत्युंजय की पूजा ज़रूर करानी चाहिए और इस कोरोना काल में तो ज़रूर करानी चाहिए ताकि कष्टों और तकलीफ़ों से आप बच सके। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। परमपिता परमात्मा शंकर भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहे। जय माता दी।